हेलो ओडिशा, वेलकम टू शिक्षा भवन दि एजुकेशनल ओडिया यूट्यूब चैनल। तो चलंतु आज वीडियो रे पढ़ा कि दशम श्रेणी जीव विज्ञान जो द्वितीय अध्याय अच्छी श्वसन। तो श्वसन ये हूँ एक्चुअली सेकेंड पार्ट वीडियोटी। तो ये वीडियो रे हमें पढ़िया कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया ना, ठीक अच्छे। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कौन मु बोधे या आगो वीडियो रे टिके कही सारी। तो ये हूँ कौन ना, ये हूँ एक कोषीय शोषण प्रथम पर्याय, ठीक अच्छे। कहीं कोषीय शोषण को आम तीन तीन टी भाग विभक्त करे, ये तीन टी प्रोसेस माने पर्याय। गोटे तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया, गोटे साइट्रिक अम्ल चक्र, आ गोटे है परिवहन संस्था, ठीक अच्छे। तो यही शोषण आम कौन पढ़ीचे मुझे एक्जाक्टली आग थर भी कौच बोलसे कि शोषण आम यहाँ पढ़ा जैठे कौन ना, शोषण प्रक्रिया आग ग्लुकोज एटा C6H12O ओ ग्लुकोजटा, ये ग्लुकोज कौन करिवो ना अम्लजान संस्पर्श आसिक जारण घटिबो, एवं कौन ना सेठु जारण हेला पर सेठु शक्ति मिलिबो, ठीक अच्छे। शक्ति आउ किछि कार्बन डाइऑक्साइड आउ किछि जल अणु गुड़ाक कौन हे ना निर्गत हेबे, ठीक अच्छे। तो एटा तो देदेला सी कि एटे कौन ना आमर ग्लुकोज रो जारण घटिछि आउ डायरेक्ट कौन ना शक्ति मिलिछि। ये एक्चुअली आमको जे एटा जे ग्राफ जतकि इजिली देइछि से एतकि सहजरे सहज प्रोसेस नुह, ये हूँ बहुत कठिन प्रोसेस। से प्रोसेस को कौन ना तीन तीन टी कौन पर्यायर विभक्त कराई, ठीक अच्छे। एवं यही तीन तीन टी प्रोसेस टी सरीगला पर ही आमको एक्चुअली शक्ति मिले, खाली रे एत्ते सहजरे शक्ति मिल ना। से चलत आज वीडियो रे आलोचना करिया जे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कौन, साइट्रिक अम्ल चक्र कौन, वो परिवहन संस्था कौन, ठीक अच्छे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने मो वीडियो रे नुआ आउछंती बा मो चैनल को बे जस्ट विजिट करी छंती, तो से मानकु गोटे गोटे लाइक कर देबे जदि चाहू छंती, और वीडियो टाको बहुत एंजॉय करिवे। जदि आपण 10 प्लाइ छंती तो खाता पेन काढ़ीबे वीडियो का देखिवे, ठीक अछि। तो मु या घर कहि सारी छी जे हमरो कोन करे ना जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रियाटा हमरो कोषर कोषरस बा कोषजीवकर हो दे दी छी एक्चुअली। तापर जो आम आसवा साइट्रिक अम्ल चक्र सी हे कौन ना जो माइटोकॉन्ड्रिया जो चित्र देखुं, ये माइटोकॉन्ड्रिया रो जो मैट्रिक्स अच्छे आम जो खाली स्थान बा टिके जो पानिया ये एरिया अच्छी मैट्रिक्स कहे, और साइट्रिक अम्ल चक्रटा मैट्रिक्स रे हुए। एवं जो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था जो प्रोसेसटा गोटे अच्छी सीए कौन, इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कौटे घटव ना जो आम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दुईटी झिली अच्छे एक्चुअली, गोटे है अंत झिली आ गोटे तार बह्य झिली, तो लिखाई ना बह्य झिली मानने बाह्य साइड बाहर साइड एवं अंत झिली है तार जो भितर साइड जोड़ा कि आमर मैट्रिक्स आड़ को जोड़ा पशिच टिके है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कौन ना ये जो ये अंत झिली रे घटव एक्चुअली, ठीक अच्छे। तो ये पाठ को आम चित्र देखी देखी पढ़िया भल से मानने डिसिप्लीन रे किसी व्यस्त होबार ना। तो आगे चल ग्लाइकोलाइसिस कौन, ग्लाइकोलाइसिस बोले कौन ना ग्लुकोज रो भांगीबा प्रक्रिया को कौन ना ग्लाइकोलाइसिस, ग्लुकोज रो एनालिसिस हेबा प्रक्रिया टाकु ग्लाइकोलाइसिस बोले कहबा। कौन होची ना कोष रो कोष जीव करे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया हुए, मु कहिची जे फोटो देखि कहले कि नै एडे एटे हुए हमर कौन ना कोष रस बा कोष जीव करे होची हमर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया एक मार्क आसीबो। तो एही प्रक्रिया रे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया रे ग्लुक ग्लुकोजन दुई सपन रे परिचालित घटना कौन होची ना ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रियाटा दुईटी स्टेप्स रे होची। फर्स्ट स्टेप कौन होची ना छ कार्बन युक्त ग्लुकोज कौन होची ना जो छोटा कार्बन अच्छे हम जो C6 जो कहे हाँ, तो सेटा कौन होची ना फर्स्ट ATP ग्रहण करी जो टिके शक्ति अमर अम्लजान को ग्रहण करी उद्दीपित होबा सहित द्वारा दुईटी तीन कार्बन युक्त सरल सर्करे परिणत हुए। घटना कौन हो फास्ट तो C6 देखते यहाँ यहाँ कौन हो छ कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु हाँ कि नहीं, ये कौन हो गोटी ATP को ग्रहण करना आम तलपर देखो ATPटा मिशी, तो गोटी ATP को ग्रहण कलापर ये कौन होना ये दुईटी तीन कार्बन युक्त सरल सर्करे परिणत हो कौन हो शेष को आमर ए ATP एवं NADP एच माने NADPH2 को सॉरी NADP नो NADH2 को देउची रिड्यूस होचोंत एक्चुअली। तापर एडा कोन दुईटी तीन कार्बन युक्त पाइरुविक अम्ल रे परिणत होउची प्रथमे,
किए ना ग्लुकोज टी कहीं पायरबिक अम्ल में परिणत हो कहीं आम कोष गुड़ाक डायरेक्ट ग्लुकोज को ग्रहण करें ना ये कौन ना से ग्लुकोज जातीय खाद्य को प्रथम पायरबिक अम्ल में परिणत करेंगे तापर कौन हो आसब ठीक अच्छे देखिए पढ़ी एट बुझा पड़ा एटा तो द्वितीय स्टेप कौन हो ना प्रति तीन कार्बन युक्त शर्करा ए स्टेपटा ठीक अच्छे ये छः कार्बन युक्त ग्लुकोजटा कौन ना एट को कनवर्ट होगा तापर एट रो जो दी दीटा आएगा दीट तीन कार्बन युक्त सरकार कौन है ना रासायनिक क्रिया द्वारा पायरोबिक अम्ल नामक एक जैविक अम्ल में परिणत हुए ये कौन ना ये स्टेप यू डेला ठीक नहीं जो सरल शर्करा गुड़ाक कहीं परिणत है ना पायरोबिक अम्ल में परिणत है सोपान शक्ति मुद्रा एटीपी ये जो है एटीपी गोटे एटीपी ओ शक्ति संपन्न एम पूरा टोटाल हाइली पावरफुल अणु गुड़ाक तो शक्ति संपन्न विजारित सहकारक जहाँ आम एन ए डी एच टू बोली कहे एटीपी एन ए डी एच टू यू कौन है ना बाहर ठीक अच्छे कौटू आमर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया उत्पन्न है लिखा है ये उत्पन्न है चित्र 2.2 आम तो देखले ना ठीक अच्छे यहीटा या कुछ यहीटा हूँ आम कौन ना ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया सबुठ बहुत बड़ टेबुलटा कहीं जदि या को आमे जानी जीवा तो से ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को आम आखि मुजिकी लिखी पार फास्ट कौन हो मैंने कौन दुईट स्टेप यहीटा गोटे स्टेप आ गोटे एटा गोटे स्टेप माने ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया एटा गोटे स्टेप आउ ए टू गोटे स्टेप एठू कौन हो छः कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु दुईट तीन कार्बन युक्त सरल शर्करा रे परिणत हो क्या गोटे एटीपी को पाइला पर एंड एटा प्रति कार्बन माने कौन प्रति तीन कार्बन सरल शर्करा गुड़ाक एन ए एटीपी एवं एन ए डीपी एच सरी एन ए डी एच टू को कौन ना बाहर माने सेठू बाहर एटा कौन ना गोटे गोटे पायरोबिक अम्ल में परिणत होटा हूँ कौन ना ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया ठीक अच्छे परीक्षा आसो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया और साइट्रिक अम्ल चक्र कौन बुझा लंकुशी ठीक अच्छे से यह लिखा पड़ो तो श्वसन फास्ट स्टेप कौन ग्लाइकोलाइसिस ग्लुकोजटा आग भांग कौन हम ना से पायरोबिक अम्ल में परिणत हो पायरोबिक अम्ल में ही अम्लजान कंटाक्ट आसला सी अम्लजान को जी पाइब से शक्ति देव जदि कम पाइला कम शक्ति देव ठीक अच्छे तो से कथा को लेकिन आगे जावा से कहला कष जीव कैर पायरोबिक अम्ल परेश अनुरूप कार्यकारिता से कि कम कर पायरोबिक अम्ल में परिणत है ग्लुकोजटा कि ना तेज से जाए कि कम कर देखो तो कष परेश अम्लजान मात्रा अनुजाई पायरोबिक अम्ल विभिन्न जैविक क्रिया मध्यम परिचालित होता है एक्चुअली कौन कर पायरोबिक अम्ल या मन कर भावत तो यहाँ गोटे कष कष मन कर अधारू अधिक अम्लजान अच्छी तो ये कौन कर साइट्रिक अम्ल हाँ कि नहीं सरी पायरोबिक अम्ल कौन कर अधिका शक्ति दब हाँ कि नहीं जदि कम सीट गोटे कषर जब कम अम्लजान अच्छी तो से कम शक्ति दब ठीक से तो गोटे कौन कर अम्लजान अनुपस्थिति ठीक है या को हाँ टेबुल भी अच्छे एक्चुअली जहाँ पढ़ी थे गोटे कौन करुच्ची ना अम्लजान अनुपस्थिति से कौन कही अम्लजान मात्रा ये कौन ना अनु अम्लजान ये ना भावतु गोटे जगह कौटे ना शून्य अम्लजान मात्रा बा जोटी ईस्ट भली अणुजीव कोषर पायरोबिक अम्ल दुई कार्बन युक्त इथानल सुरासारे परिणत हुए घटना कौन हो से कौन कहले या आगर से कहला जे मैंने जोठी अम्लजान न थाए से पायरोबिक अम्ल कौन करुची ना सुरासारे परिणत हो क्लीयर तापर यह वायु सरी वायु उपजीवी शोषण कहे कहीं वायु ये अनुपस्थित आम यहाँ आगे पढ़े ना वायु मैंने शोषण दुई प्रकार उपजीवी शोषण गोटे उपजीवी शोषण गोटे ठीक अच्छे तो यह सुरासार किणन कहुए क्या जे आमर जो अम्लजान अनुपस्थिति कौन ना सुरासार परिणत होगा कौटा जे आमर पायरोबिक अम्ल सुरासार परिणत होगा प्रक्रिया को आम सुरासार किणन कहीपर ठीक अच्छे एवं दुई नंबर कौन अम्लजान अभाव जोड़ी की कम अम्लजान थाए से कौन होमर पायरोबिक अम्ल तीन कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल में परिणत हुए लैक्टिक एसिड जो कहते हैं हाँ कि नहीं देखो
ଏଇଠି ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ କ'ଣ ନା ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସେଇଠି ସୁରା ସାରର, ଯେଉଁଟା ଟୋଟାଲି ପାଇବ ନାହିଁ ଯଦି ସୁରା ସାରରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯଦି ଟିକେ ପାଉଛି ଅଳ୍ପ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ଯେଉଁଟା କମ୍ ଥାଏ ସେଇଠି ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପେଶୀ କୋଷରେ ଘଟିଥାଏ, ପେଶୀ ବୋଲେ ମାଂସପେଶୀରେ ଘଟିଥାଏ, ଫଳରେ ସମୟ ସମୟରେ ମାଂସପେଶୀ ସଙ୍କୋଚନ ବା ବକୁଲା ହୋଇଥାଏ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ହୋଇଯାଏ, କଠିନ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଏ, ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ାକ ବଥା ହୁଏ। କାହିଁକି କାହିଁକିନା ସେତେବେଳକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ସେତେବେଳେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼ ପରିଣତ ହୁଏ ବୋଲିକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼, ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଇରୋବିକ୍ ଅମ୍ଳ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ, ଯେଉଁ ମାଇଟୋ ମାନେ କ'ଣ ଅମ୍ଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୋବିକ୍ ଅମ୍ଳ କ'ଣ କରେ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ସହ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶକ୍ତି ଦେଉଛି, ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏବେ ଯେଉଁ ତିନି ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ସ କ'ଣ ନା ଏକାଠି ଟେବୁଲେସନ୍ ବା ଟେବୁଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଟେବୁଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା ନା ଏପଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଲା, କୋଷୀୟ ଶୋଷଣର ତିନି ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆଗୁଆ ଏଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୁଇଟି ତିନି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଏବଂ ଏହାକୁ କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କଲା, ସିଏ କିଛି ତା'ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଲା। ଶକ୍ତି ତ ସେ ନିହାତି ଦେବ ହିଁ ଦେବ, ଶକ୍ତି ସବୁଠାରେ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରେ ବି କିଛି ଯାକ ଦେଉଛି ସିଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଟାକି ନଥିଲା, ଇଷ୍ଟ କୋଷ ଯେଉଁଟା ଆମେ ତଳପଟେ ଦେଇଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ନଥିଲା ବା ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଲା, ଇଥାନଲ ବା ସୁରାସାର ଦେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ବେଶୀ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପେଶୀ କୋଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଯେଉଁ ବାକୁଲା ହେଇଯାଉଥିଲା, ବଥା ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ କର, ସେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦେଲା, ଶକ୍ତି ତ ସେ 100% ଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଫୁଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବୋଲି କହୁଛି, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ କରିବ, କିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେବ, ଶକ୍ତି ନିହାତି ଦେବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ବୋଲି କିନା ବି କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ତ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ, କେଉଁଟା ଯେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏତିକି ଟୋଟାଲଟା ହେଲା ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ନା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେବ ନା ଆମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ହେବ, ସେଇଟା ଦେଇଛି ବୋଧେ, ଦେଇଥିବ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ମାର୍କ ଆସିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଦେଇଛି ନା, ଏକ ମାର୍କ ପଚାରିବ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନିଏ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିବ ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆମର ଯେଉଁ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ଏହା ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପାଦ ହୁଏ। କେଉଁଟା, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଦୁଇ କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହେବ। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିଲା କିଏ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ଏଇଟା ବି ପୁଣି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ଇଏ ହେବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଏ କ'ଣ କରେ, ପାଇରୋବିକ୍ ଅମ୍ଳଟା ଦୁଇ କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବା କନଭର୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବ। ପୁରା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ସିଏ ଦୁଇ କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ, ଦୁଇଟି କାର୍ବନ ଥିବା ଦୁଇ ମାନେ କ'ଣ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ କିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ NADH2 ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୁଏ, ସଂଶ୍ଲେଷିତ ବୋଲେ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ
अंगारकाम्ल तैयार है आउ एनएडीएच टू ए जो आइला ये गोटे निर्गत हम ये गोटे निर्गत हम ए दीटा है एड को ठीक अच्छे टिके देख कहीं ये पढ़वा ना सैट्रिक कमल चक्र तो सग थोड़ा दे दीजिए तो सेकेंड स्टेप कौन हो ना द्वितीय पर्यायर साइट्रिक अम्ल चक्रर ग्राहक अणु चारि कार्बन युक्त ऑक्सल एसिटिक एसिड ओ ए ए बोले सर्टकट रे आम कहे मैंने एक मार्क भी पचार जे ओ ए ए स्टैंड्स फॉर बा ओ ए र फुल फॉर्म कौन कि नहीं तो ये कौन कर ना दुई कार्बन युक्त सक्रिय अणु को ग्रहण कर यू जो आम दुई कार्बन युक्त सक्रिय अणु थी ये कौन कर ना ऑक्सल एसिटिक एसिडा से पी चारि कार्बन युक्त हाँ कि नहीं तो ये या ग्रहण करी छ कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल रे परिणत हे कहीं निजे कौन चारि कार्बन युक्त किए ओ ए एटा हाँ कि नहीं एपटू जे दुई कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिवर्तन होता ताकू ओ ए ए ग्रहण कर निजे कौन बन छ कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल रे परिणत हे एतकी क्लियर साइट्रिक अम्ल चक्राकार रे विभिन्न जैविक अम्ल रे परिवर्तन होबा सह सहित शेष रे ग्राहक अणु ओ ए ए कु पुनरुत्पादन कराए घटना कौन हो ना जेहेतु सी ओ ए एटा कौन ना छ कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल रे परिणत होता तो ये कौन कर ना ये साइट्रिक एसिड कौन कर ना आउ थरे चक्राकार आउ थरे से तार प्रोसेस को रिटर्न करी गोटे कौन ना ओ ए ए कु तैयारी करे कहीं ना से आगे न्यूट्रल होगा से आगे जमी से अवस्था को पुणी थे फेरिया ठीक अच्छे यही पर्यायर अंगारकाम्ल निर्गत होगा सहित विजरित सहकारक एनएडीएच टू ओ एटीपी उत्पन्न हुए कौटी साइट्रिक अम्ल चक्र रे ठीक अच्छे आउ कौन दौर साइट्रिक अम्ल चक्र को देखो ये एक मार्क पचार जो साइट्रिक अम्ल चक्र को कौन ना सार हान्स क्रेबस 1953 मसीह आविष्कार करते से नाम जैसा साइट्रिक अम्ल चक्र कौन ना क्रेब्स चक्र बोली कहा जाए एक मार्क आसव ठीक अच्छे यहाँ एक्चुअली आसव कौन ना साइट्रिक अम्ल चक्र अवतारणा कर बोल कि से कहीपर ठीक अच्छे ए टोटाल टाक से पचार आम जहाँ पढ़ल से किसी अलग कथ नुह तापर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था यहाँ हूँ आम कोशीय श्वसन तृतीय बा तीन नंबर फेजटा लास्ट फेज तापर जा शक्ति हमको तैयारी मिल तो देखो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था आम कौटे घटू ना आम जो अंतःझिली कौटा माइटोकॉन्ड्रिया अंतःझिली ये कम्प्लीट हो तो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माइटोकॉन्ड्रिया अंतःझिली रे होइथाय माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतःझिली रे होइथाय तो संस्थाटी विभिन्न प्रोटोन एवं इलेक्ट्रॉन बाहक अणु द्वारा गढ़ा कहीं इलेक्ट्रॉन जदि आईला बोल तो निहाती इलेक्ट्रॉन प्रोटोन मान कथ ही आसू थो तो ये कौन हो ना ए सिस्टमटा कौन ना गुड़ाए प्रोटोन आउ इलेक्ट्रॉन मान को लेकिन या ठीक अच्छे मान ये इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था भाग नौ तो ग्लाइकोलाइसिस एवं साइट्रिक अम्ल चक्रर उत्पत्ति होता सहकार को ए दीटा एनएडीएच टू आउ एफएडीएच टू अणुर एक संस्था द्वारा प्रक्रियाकरण होता है एक्चुअली ए दीटा द्वारा ही ये कामटा कम्प्लीट होता है एवं मचित शक्ति एटीपी तैयारी हुए और सेठू कौन अच्छी ना आम लास्ट स्टेप जेहेतु कहीं ना एटीपी तैयारी होगा सरला बोले आम श्वसन प्रक्रिया सरीगला कह बुझा कथ तो एटीपी तैयारी हुए विजरित सहकारक गुड़िकु इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन बाहक अणु श्रृंखल माध्यम गति करे एवं बाहर थोड़ा प्रोटोन प्रोटोन बाहक माध्यम दुई जिलूर मध्यवर्ती स्थान को स्थानांतरित हुए घटना कौन हो देखते यहाँ से कौन कौच हाँ ना ये तल पड़ थी से चित्रटा हाँ यहाँ सी कौन करमर कौन एटा बाह्य झीलीटा माइटोकॉन्ड्रिया झीलीर आउ ये तार अंतझिल भितर झीलीटा हाँ कि नहीं तो ये कौन करुच्ची ये जो अंतझिल जो मझे जो एरिया अच्छे आमर एटा बाहर झीली आउ ये मझी झीली तो ता भितरे जो एरिया अच्छी कौन कौच आम जहाँ भी छाड़ तो ये आम आइब कौन ना प्रोटोन गुड़ाक एकाठी जमा हेबा को लागिबे स्थानांतरित होती को माने प्रोटोन माने एवं श्रृंखल शेष बाहक अणु एक एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रॉन सहित मैट्रिक्स रे थिबा द्रवीभूत अम्लजान को मिसाई जल सृष्टि करती कौन हो बाहक अणु माने कौन करेंगे ना एंजाइम द्वारा भितर जो एंजाइम था एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रॉन गुड़िक को मैट्रिक्स रे थिबा द्रवीभूत अम्लजान को मिसाई जल सृष्टि करती एच प्लस अच्छी
एच प्लस सहित से निजे मिसे ना कि अम्लजान मिसिकी से जल सृष्टि करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बाहक श्रृंखल इलेक्ट्रॉन गति करने समय दुई झिली मधे अंतवर्ती स्थान में अधिक परिमाण प्रोटॉन जमा हूँ कौटे आमर जो माइटो ये जो बह्य झिली और अंत झिली मधे बहुत कड़े गलार ये कौन आमर ना बहुत प्रोटॉन गुड़ाक जमा हूँ गोटे शक्ति सृष्टि हो से शक्ति को आम कौन कह देख कौन प्रोटॉन जमा हूँ यहाँ द्वारा एक प्रकार प्रोटॉन गति सक्षम बल तैयार हुए। यही बल को उपयोग कर एटीपी सिंथेज नामक एंजाइम प्रस्तुत करे। ए एटीपी सिंथेज नामक एक प्रकार एंजाइम कौन करना से ही शक्ति जो सक्षम बल तैयार हे से सक्षम बल रु सी कौन ना एटीएम प्रस्तुत कर। एटीएम बोले तो आम अटोमेटिक जानते ये हूँ गोटे शक्ति नुह कि तो कौन हो वायु उपजीवी छः कार्बन युक्त ग्लुकोज संपूर्ण भाव जारित हुए। उपजीवी शोषण बोले कौन ना उप मान वायुर उपस्थित होता शोषण नुह कि वायु उपजीवी शोषण रे छः कार्बन युक्त ग्लुकोज संपूर्ण भाव होती प्रति कार्बन अंगारकाम्ल परिणत हुए एवं प्रति कार्बन अंगारकाम्ल परिणत हुए। अम्लजान उपस्थित रे यही प्रक्रिया चली कोषीय शोषण शेष सोपान अम्लजान व्यवहृत हुए। ग्लुकोज अणुटी वायुपजीवी शोषण में 38 एटीपी देथाए कहीं सीठे अम्लजान सरी ग्लुकोज्र संपूर्ण चारण होता है। ठीक अच्छे आमर एक एक मार्क पचार से कह वायु उपजीवी शोषण में केतटी एटीपी अणु सृष्टि हुए केतटा 38टा और वायु उपजीवी शोषण केतटा मात्र 2टी कहीं ये वायु न थाए अम्लजान न थाए तो बिना अम्लजान ग्लुकोज चारण हो पारे बोल कि कम मात्रार एटीपी दिए। ठीक अच्छे एतकी थिला आमर कौन ना कोषीय शोषण लॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक अच्छे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था एक्चुअली इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था से एक्स्ट्रा पचारे 2 मार्क जो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कौन बुझाओ आउ लॉन्ग क्वेश्चन आसव ग्लाइकोलाइसिस आउ साइट्रिक अम्ल चक्र कौन बुझाओ एबे आसव कौन एटा 3 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन जे वायु उपजीवी एवं वायु अपजीवी शोषण पार्थक्य। तो देखो पार्थक्य कमी दे जे एपटे जहाँ दे तार अपोजिट एटा दे हाँ कि नहीं तो अम्लजान आवश्यक कौटे ना वायु उपजीवी शोषण में अम्लजान आवश्यक अनावश्यक आवश्यक ना जो कौटे वायु अपजीवी शोषण अनावश्यक बोल कि ओ लगला हाँ कि नहीं अधिक शक्ति 38 एटीपी उत्पन्न हुए आई टोटाली 2टी उत्पन्न हुए कौटी वायु उपजीवी अपजीवी शोषण पड़े नहीं कि जस्ट यहाँ ये 38 आ 2टी। ठीक अच्छे से कथा ही आटा कौन उत्पाद भाव में कौन मिले ना एथिर अंगारकाम्ल जल मुक्त हुए कहीं ग्लुकोज्र संपूर्ण जारण हुए आठ कौन हो ना इथानल सुरासार और लाक्टिक अम्ल सृष्टि हुए भाई अपजीवी शोषण में आठ कौन हो ना एथिर ग्लुकोज्र संपूर्ण जारण हुए आठ हो पाए ना कहीं अक्सीजेन कम मात्रा थी आठ अक्सीजेन पूर्ण मात्रा थी। ठीक अच्छे तो अम्लजान और अंगारकाम्ल साद्रता खाद्य उपादान परिमाण तापमात्रा एवं कोषरे विपाचन उपस्थिति परी विभिन्न कारक शोषण प्रक्रिया को नियंत्रण करिथांती यहाँ फैक्टर्स। अच्छा क्यों क्यों कारक गुड़ाक शोषण को नियंत्रण करती बोल कि आमर एक मार्किया पचार कौटा कौटा ना अम्लजान कहीं अम्लजान जिते अधिक हम से आम कौन ना जारण हो कहीं जदि कम है तो तार ग्लुकोज्र जारण हो तो अम्लजान आसव अंगारकाम्ल साद्रता आउ खाद्य उपादान परिमाण आम के लिखा खाऊे नुह कि तार तापमात्रा जो खाद्य दहन पर जो तापमात्रा आसठ कसरे विपाचन उपस्थिति पर विभिन्न कारक गुड़ाक शोषण क्रिया को नियंत्रण करती। ठीक अच्छे तो आई होप ये भिडियोटी भलसे बुझा पड़ा जदि बुझा पड़ा ना तो बेक कर बुझीपारे आउ ये भिडियो को मुझे शेष करुँ या पर भिडे आस शोषण कार से पुणी जीव शोषण यहाँ हूँ आमर कौन बहुत लंग क्वेश्चन भी आसो या कि तो ये तौक बहुत किसी जीवार अच्छी कौ प्राणी केमती शोषण संपादन कै आस उद्भिद शोषण यहाँ बहुत बढ़िया लगे। ठीक अच्छे तापर आसव प्राणी मान शोषण यहाँ गोटे आम लंग क्वेश्चन आसे जो क्यों प्राणी कौ अंग दे श्वास प्रश्वास निए बा कै। ठीक अच्छे तो थैंक यू ये भिडियो देखिथ।